स्वागत है आप सभी का मैं और मेरा भारत कार्यक्रम में स्पॉन्सर्ड बाय निम्स यूनिवर्सिटी टेक्निकल पार्टनर NIIT जयपुर। आज हम पहुंच चुके हैं गोलचा के सामने चौड़ा रास्ता जयपुर में। यहां से हम स्टार्ट करेंगे हमारे भारत के बारे में जानना कि हमारे भारतीय नवयुवक कितना जानते हैं हमारे भारत के बारे में। आपका नाम? निष्ठा शर्मा। आपका नाम? अभिलाषा जाजोलिया। रोहिणी सरेगा। ओके, आप क्या करते हैं इस टाइम? BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग करते हैं आप? तीनों लोग BSc नर्सिंग कर रहे हैं? हाँ। ओके, आप अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगी आपसे और आपको भारत के बारे में बताना है कि आप कितना जानते हैं। ओके, बताइए कि कैपिटल ऑफ असम? ओके, एंड फॉर्मूला फॉर लाफिंग गैस? N2O। एंड को और क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, एंड विच पार्ट ऑफ आई इज डोनेटेड? कॉर्निया। ओके, एंड नेम ऑफ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन शिप? कोई बात नहीं, बताइए हु रोट महाभारत? महाभारत किसने लिखा था? गुरु व्यास, है ना? ओके, कोई बात नहीं यार, बताइए व्हाट इज द WWW स्टैंड फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, लैन 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 LAN लैन लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, गुड, एंड लार्जेस्ट गुरुद्वारा? अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल। यस, करेक्ट। आप क्या करते हैं? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कर रहे हैं? इंजीनियरिंग किस स्ट्रीम में कर रहे हैं? कंप्यूटर साइंस। ओके, कंप्यूटर साइंस में, गुड। किस कॉलेज से कर रहे हैं? आर्या कॉलेज जयपुर से। ओके, आप कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानते हैं? आप ये बताइए कि हमारा जो कंप्यूटर का आविष्कार किया था वो किसने किया था? ओके, कोई बात नहीं, आप ये बताइए कि WWW स्टैंड्स फॉर? वर्ल्ड वाइड वेब। ओके, एंड ये बताइए फुल फॉर्म ऑफ लैन? फुल फॉर्म ऑफ लैन LAN। ओके, गुड, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश टू विजिट इंडिया? ओके, कोई बात नहीं, चलिए बढ़ते हैं हम और जानते हैं हमारे नए स्टूडेंट से हमारे भारत के बारे में। आपका नाम? पुरु सेठी। पुरु सेठी, आपका नाम? यश। यश सेठी। यश सेठी, आप किस क्लास में पढ़ते हैं दोनों? मैं 9th। आप? 10th। 10th में, 10th के एग्ज़ाम दे दिए या फिर अब 10th में आए हैं? दे दिए। ओके, आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी डांसिंग है। डांसिंग है? डांसिंग है, और गेम्स में सॉकर है खेलना, स्पोर्ट्स में खेल कूद करना, क्रिकेट। क्रिकेट आपकी हॉबी है? ओके, आप ये बताइए कि IPL देखते हैं? IPL अभी नहीं देखते इतना, कि एग्ज़ाम तो देखो। अच्छा, IPL की फुल फॉर्म जानते हैं? इंडियन प्रीमियर लीग। ओके, करेक्ट। ये बताइए कि इसमें हमारे कितना टीम है? इसमें होगी टीम 10-11 टीम होगी। 10-11 टीम आसपास है? बताइए आसपास 7-8 टीम। अच्छा, ओके ओके, ये बताइए हमारे जयपुर में स्टेडियम है? कौन सा स्टेडियम है, क्या नाम है उसका? सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम किसने बनवाया था? ये सवाई मानसिंह स्टेडियम मानसिंह जी ने बनवाया था। जयपुर के राजा थे, कौन थे? सवाई मानसिंह। अच्छा, ओके, ये बताइए आपने फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा है 10th में? अच्छा, तो फिजिक्स के बारे में क्या जानते हो? फिजिक्स के बारे में फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स, फिजिक्स, अच्छा न्यूटन्स के लॉ जानते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं? अच्छा, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की कोई बात नहीं, आप बताइए। नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, ये बताइए
हेड क्वार्टर ऑफ ONGC कहाँ पर है? ONGC जानते हैं? ONGC नहीं जानते हैं? ओके ये बताइए लार्जेस्ट मॉस्क्यू क्या है? लार्जेस्ट मॉस्क्यू कहाँ पे है? सऊदी में होगा ना वहाँ मक्का। जामा मस्जिद दिल्ली। हाँ दिल्ली की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हैं ना? इंडिया में। हाँ दिल्ली। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ विनेगर? यार हमने पढ़ा तो था, ध्यान नहीं। और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला केमिकल? सल्फ्यूरिक एसिड SSU। सल्फ्यूरिक एसिड नॉट एस स्पेलिंग। अच्छा H2SO4 समथिंग लाइक दिस याद है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड ध्यान नहीं है। ओके कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके सॉल्ट का पता है? सॉल्ट का क्या है? NaCl। NaCl को क्या कहते हैं? NaCl को सॉल्ट कहते हैं। NaCl को केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। हाँ सोडियम क्लोराइड। Na means सोडियम और Cl means क्लोराइड। स्पॉन्सर्ड बाई NIMS यूनिवर्सिटी टेक्निकल पार्टनर NIT जयपुर। आइए चढ़ते हैं हम और बढ़ते हैं हमारे नए स्टूडेंट की तरह, वो बात करते हैं हमारे भारत के बारे में। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। माय नेम इज ईश्वर मीणा, आई एम स्टडी बीए फर्स्ट ईयर और आई एम फ्रॉम इंडिया। बीए आप किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? बीए आर्ट्स में कर रहे हैं। भारत के बारे में जानते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? जयपुर से करते हैं। अच्छा ये बताइए कि हमारे जयपुर में कोई स्टेडियम है, उसका नाम क्या है? SMS का फुल फॉर्म? सवाई मानसिंह स्टेडियम। ओके ये बताइए कि व्हेन वी सेलिब्रेट नेशनल साइंस डे? नहीं पता। टीचर्स डे कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। गुड। अच्छा जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस कब मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे पता है कब होता है? 12 नवंबर में होता है। कौन सी डेट में होता है? 12। अच्छा ये बताइए कि महाभारत किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कोई बात नहीं। ओके थैंक यू। आइए हम बढ़ते हैं हमारी नई स्टूडेंट की तरफ और बात करते हैं हमारे भारत के बारे में। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़। मेरा नाम वर्णिता अग्रवाल है एंड आई एम डूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड आई एम इन सेकेंड ईयर। ओके इन कंप्यूटर साइंस प्लीज यू हैव द आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट? हाउ मैनी सब्जेक्ट इन योर फर्स्ट ईयर? नो आई मीन सेकेंड ईयर एक्चुअली एंड देर आर 6 सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड 4 आर्ट प्रैक्टिकल्स एंड 6 आर थ्योरी सब्जेक्ट्स। इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल कंप्यूटर्स। ओके लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं आपके पास? लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं आपके पास? C++ है। अभी थर्ड ईयर में जावा आ जाएगा। ओके जावा आ जाएगा। ये बताइए आप आफ्टर द बीटेक आप क्या फ्यूचर प्लान है आपका? अभी फ़िलहाल बीटेक ही है, बाद में MBA की सोची है मैंने, अगर लाइक अगर अच्छे कॉलेजेस क्लैट वगैरह में क्लियर हो जाता है तो एंड मे बी MBA। MBA के लिए हमें जब एंट्रेंस देते हैं तो कौन से एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं? क्लैट भी होता है और लाइक फॉरेन का भी होता है एग्ज़ाम फॉर द स्टडीज, सो अगर आपको जाना हो तो। ओके तो ये बताइए कि हमारे जो इंडिया है उसमें जो हमारे गवर्नमेंट MBA कॉलेजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस को लाइक जैसे हमारे इंजीनियरिंग के IIT NIT हैं तो MBA के जो कॉलेजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? MBA में भी लाइक IIT में भी MBA होता है और IIM सुना है? ओके सो IIM फॉर द MBA। ओके गवर्नमेंट कॉलेज इन द इंडिया। ओके आप ये बताइए कि हमारे जो 1 किलो बाइट में कितने बाइट्स होते हैं?
This is the related to computer science na. Okay, koi baat nahi. Acha ye bataiye, who invented steam engine? General knowledge question na. Steam engine ka avishkar kisne kiya? नहीं पता. ओके कोई बात नहीं. ये बताए. हाँ, जेम्स वॉट. ओके, जेम्स वॉट ने किया था स्टीम इंजन का आविष्कार. लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा. थार. थार. ओके. स्पॉन्सर्ड बाई NIMS यूनिवर्सिटी NIIT जयपुर. आइए चलते हैं हम नए स्टूडेंट की तरफ और बात करते हैं हमारे भारत के बारे में. आपका नाम? कीर्ति. ईजा. कीर्ति. कीर्ति अग्रवाल. कीर्ति का मतलब क्या होता है? आपको आपके नाम का मतलब नहीं. आज जाके अपने नाम का मतलब पता करिए. ओके. अच्छा ये बताइए कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? ट्वेल्थ में पढ़ते हो. अभी पास किया है या ट्वेल्थ में आए हो? अब आए हो. इससे पहले इलेवेंथ किया था. इलेवेंथ में कौन से सब्जेक्ट थे आपके? कॉमर्स. आई टी. कॉमर्स. आई टी. आई टी मीन्स इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस कंप्यूटर. भारत के बारे में आप जानते हैं? अच्छा ये बताइए कि भारत की खोज किसने की थी? नहीं पता. किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है? अकाउंट्स. अकाउंट्स में है. अच्छा ये बताइए CA जानते हैं? CA की फुल फॉर्म क्या होती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट. चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसका कोर्स कितने ईयर का होता है? फाइव ईयर्स का होता है. ओके. चार्टर्ड अकाउंट के लिए हमें किस एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है? फर्स्ट तो CA फाउंडेशन फिर CA इंटरमीडिएट वाला और फिर फाइनल इंटरव्यू. ओके. अच्छा ये बताइए आप कि लार्जेस्ट स्टेडियम कौन सा है हमारे इंडिया में? स्टेडियम इंडिया में. ओके कोई बात नहीं. ये बताइए विच इज़ द हार्डेस्ट मेटल? हार्डेस्ट मेटल डायमंड. ओके. ये बताइए कि जो हमारा बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है वो किस मटेरियल का होता है? मेरा पता चाहिए. टंगस्टन. ओके. एंड ये बताइए 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं? 1 किलोबाइट में 1050. ओके गुड करेक्ट आंसर. कॉन्ग्रेचुलेशन. ओके थैंक यू. आइए हम बढ़ते हैं हमारे नए स्टूडेंट की तरफ और जानते हैं हमारे भारत के बारे में. प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए. हेलो मैं नंदिनी हूँ एंड आई एम फ्रॉम गुजरात वापी. ओके आप गुजरात से हैं? ओके. गुजरात में क्या कैपिटल है? गुजरात की कैपिटल गांधीनगर. गांधीनगर गुड आंसर. ये बताइए कि लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है इंडिया का? कोई बात नहीं. ये बताइए कि हमारा जो साइन थीटा है और कॉस थीटा है अगर इसको डिवाइड करते हैं साइन बाई कॉस थीटा तो क्या होगा? टैन थीटा. टैन थीटा गुड. टैन थर्टी कितना वैल्यू है? 31/√3. ओके गुड. एंड पाइथागोरस थ्योरम? a² + b² = c². ओके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन? a² + bx = c. ओके. सी ए एंड बी को आप डिफाइन कर सकते हो उसमें क्या क्या है? सी ए बी ये सब कॉन्स्टेंट. ओके. एंड ये बताइए कि आप जयपुर में आए हैं तो आप रहते हैं यहाँ पे? जी नहीं मैं यहाँ पे वैकेशन. वेकेशन तो आपने क्या क्या देखा है यहाँ पे? मेरा फर्स्ट डे है आज ही मैं आई हूँ तो अभी देखेंगे हम हवा में है लड़ सिटी पैलेस ये सब करेंगे. तो आपने कुछ खरीदा है शॉपिंग किया? अभी जा रहे हैं. अच्छा तो ये बताइए राजस्थान के बारे में कि आप यहाँ का कोई डांस है जो फेमस है? घूमर डांस यहाँ का. जैसा कि आपने देखा कि हमारी नंदी ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए हैं इसीलिए इनको मिलता है हमारी तरफ से गोल्डन पास. कॉन्ग्रेचुलेशन. धोखा नहीं खाएंगे कांग्रेस सरकार लाएंगे. न्याय हो उन्नति हो न्याय हो प्रगति हो न्याय किसान पाए.